आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अंतिम 20 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं भैया अपने एग्जाम से पहले। अब ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप सारा चैप्टर स्टार्ट करिए, खोल कर पढ़ना, आप पढ़िए, ये सब तो बात मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि अंतिम 20 दिन में अच्छे स्टूडेंट करते क्या है ये मैं आप सभी को बताऊंगा, और ये आपको कम से कम करना है। पहले मैं बोलूंगा कम से कम ना इस वीडियो को शेयर कर दो पहले, आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम इस वीडियो को आप सभी शेयर कर देना ईमानदारी के साथ। अगर मैं आप सभी को ईमानदारी से सारा क्लास करवाया हूं, सारा बता रहा हूं, ठीक है, जेन्यून, कोई प्लस कोर्स नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं, जेन्यून बताऊंगा आपको करना क्या है, अच्छे स्टूडेंट 20 दिन में करते क्या है, देख लो ध्यान से आप सभी। पहला काम आपको ये करना है, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। पहला काम ये करना है आपको, दो तीन चीज करना है भाई, आप नोट कर लेना, अंतिम 20 दिन में आपको यही करना है, मतलब यही करना है। एक तो पहला काम ये करना है आपको कि डेली आपको एक स्पीड टेस्ट लगाना है, पहला काम आपका ये होगा, ये करना है, मरो चाहे जियो, ये काम आपको करना है। और कैसे करना है ये सुनना, ये भी देने का तरीका होता है, ये नहीं कि आप जैसे मन दे दिए बंद कर दिए, ये तरीका बेस्ट नहीं है, ध्यान से सुनना। अंतिम 20 दिन में बस आपको यही करना है, डेली 150 PDF आपको पढ़ना है, क्वेश्चन PDF का क्वेश्चन, यानी डेली आपको 150 क्वेश्चन पढ़ना है, पहला काम। एक दो काम पहले आपको ये करना है, डेली जीके जीएस बोलो, करेंट अफेयर बोलो, आपको डेली 150 क्वेश्चन जो पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत पर, ये आपको करना है 150 क्वेश्चन कहां से पढ़ना है मैं सब बता रहे हैं। प्लस आपको डेली, हालांकि अभी मैंने मैथ का सेशन बहुत करवाया, अभी मैथ जो चल रहा है, प्लस आपको रात को 10 बजे ना सोमवार से जो है रात को 10 बजे रीजनिंग का सेट चल रहा है, और जो मैंने 200 क्वेश्चन का 200+ बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट मतलब सुपर डुपर, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। और आप टारगेट ये लेकर चलना कि 25 में ना कम से कम की बात कर रहे हैं, 24 तो आपका आना ही चाहिए, अगर 20-21 भी लेकर आ रहे हैं तो 20-21 जो है वो 80% स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं, आप नहीं सभी लेकर आ रहे हैं, तो आपको अपना नंबर 24 तक पहुंचाना है। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, मैंने हर एक टॉपिक करवाया है, अगर एग्जाम में लेवल यहां तक आएगा तो मैंने यहां तक लेवल आपको करवाया है। विश्वास नहीं है, आप कोई भी टॉपिक ना नाम लिखकर बगल में सक्सेस की 98 देखकर सर्च मार लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। आप देखोगे थर्ड पार्ट में कि लेवल मैंने अच्छे कराए, और अच्छा लेवल मतलब ये नहीं क्वेश्चन हार्ड दिखाकर कुछ भी बताकर चले गए, हार्ड क्वेश्चन भी मैंने बच्चों के तरह समझाया ताकि आप सभी को समझ में आए, डाइस हो, कैलेंडर हो, सिलोगिज्म हो, डायरेक्शन हो, क्लॉक हो, कुछ भी हो, हर एक टॉपिक कराए। लास्ट के 20 दिन में ना मैं ये 200+ बेस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और आप टारगेट लेकर चलना कि आपको 180+ क्वेश्चन सही करने, ये आपको एक काम करना है। प्लस अब बहुत जन बोलते हैं भैया इंग्लिश के लिए क्या करें, आप एक काम कर सकते हैं, आप डेली एक स्पीड टेस्ट दो और वहां पर इंग्लिश को अपने आप जज करो, इंग्लिश को तुक्का नहीं मारना है। अगर बहुत जन क्या करते हैं कि इंग्लिश में बहुत जन को डर लगता है, भैया इंग्लिश में क्या करें, भाई इंग्लिश में बेस्ट बता रहे हैं आज के वीडियो में, पूरा देखना। इंग्लिश में बहुत जन क्या करते हैं, जब टेस्ट देते हैं ना तो अपने मन से तुक्का मारकर निकलते चलते हैं, वो काम तो पहले आपको नहीं करना है। तो आप 20 दिन क्या 50 दिन भी एग्जाम दोगे ना तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आप जहां पर आज हैं वहीं पर 50 दिन के बाद भी आप वहीं पर होंगे, 5 साल के बाद भी आप वहीं पर होंगे, क्यों, क्योंकि आप तो तुक्का मार रहे हैं, आप कितने पानी में हैं ये आपको पता नहीं चल रहा है, और आप ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपको ठीक करना क्या है, आपकी गलती हो कहां रही है, स्ट्रैटेजी करना क्या है, ये तो आप पता ही नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि आप तुक्का मार रहे हैं। तो कम से कम तुक्का मारने वाला काम अंतिम 20 दिन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको डेली एक टेस्ट लगाना है। एक बात और, आप मेरा लगाओ या किसी और का लगाओ, अब ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर मेरा ही टेस्ट देना आपको देना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, बिल्कुल नहीं, आपको जिसका देना है आप उसका टेस्ट दो, ठीक है, लेकिन डेली कम से कम अंतिम 20 दिन में एक टेस्ट आप सभी पक्का दो, एक दो, और देना कैसे वो भी सुन लो आप सभी।
अगर आप मेरी बात करेंगे ना तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ना एप्लीकेशन के ऊपर जब डाउनलोड कर लेंगे और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो वहां पर आपको रेलवे एसएससी बैंक सबका टेस्ट मिलेगा हर एक एग्जाम का वहां पर, ठीक है। लेकिन वहां पर एक एसएससी भी है, उसको जब ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ सबका टेस्ट मिलेगा। सीएचएसएल वाला शायद वहां पर 13-23 को 23 वहां पर टेस्ट है, 23 वहां पर 4-5 टेस्ट जो है वो अभी अपलोड हो रहा है, यानी वहां पर ऑलरेडी आपको 17-18 टेस्ट मिल जाएगा बस सीएचएसएल का। अगर एसएससी की पूरी बात करूं तो वहां पर आपको कम से कम 100 प्लस टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसका तो वहां पर आपको 23 से 24 टेस्ट वहां पर आप सभी को मिल जाएगा। 18-19 टेस्ट जो है वो खुला हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है, वो आप अपने फोन पर भी दे सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। या फिर अगर चाहते हैं लैपटॉप पर देना तो successkey98.net पर जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, उसी आईडी उसी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। कैसे बाय करना है मैं अभी आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा और कैसे एग्जाम देना है वो भी दिखा दूंगा। लेकिन आप देखो कि एग्जाम देते वक्त क्या क्या चीज मेरे माइंड में होना चाहिए, आप मेरा दो किसी और का दो, लेकिन आप डेली एक टेस्ट आपको देना ही देना है, कुछ भी कर लो। देने के बाद मान लो आपने पहला टेस्ट दिया और आप थोड़ा फोकस करूंगा इंग्लिश को लेकर, मान लो आपके स्क्रीन के ऊपर टेस्ट चल रहा है, ठीक है, पहला टाइमर सब है हिंदी इंग्लिश में, जब इंग्लिश का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो फटाफट ऑप्शन मारकर फटाफट निकल जाते, ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपको 20 टेस्ट देने का मतलब अपने आप गलती सुधारना है 20 दिन के अंदर, कहां गलती हो रहा है। तो जब आप पहला टेस्ट दोगे तो इंग्लिश में क्या करिएगा ना, पूरी चीज को पढ़कर जितना आपका माइंड बोलता है उतना ट्राई करिएगा, और जब भी आर्टिकल आएगा ना आर्टिकल, तो उस आर्टिकल के थीम को समझने का प्रयास करिएगा कि वो पूरा थीम बोल क्या रहा है, कहानी बोल क्या रहा है। जितना भी टाइम लगे, मान लो 20 मिनट में ना आप 5 ही क्वेश्चन करिए, 5 ही करो, आप 5 ही करो लेकिन 5 सही करो, आप 5 ही करो लेकिन 5 सही करो, या आप मान लो 15 मिनट में कर रहे हैं लेकिन 15 ही करो लेकिन सही करो, ये आपको करना है कम से कम। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और हमको पता ही नहीं है कितना सही कितना गलत है, और एग्जाम होने पता चला कि 30 में मेरा जो है भैया 26 गलती हो गया, और अक्सर 90% केस में ऐसा होता है, होता है, और आप 20 टेस्ट भी दोगे तो सीखोगे नहीं। तो आप क्या करिएगा ना, वहां पर 25 क्वेश्चन है, आराम से आप दिमाग में ये रखिएगा कि हमको 10 से 12 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन ही करना है, सही करना है, जहां मुझे लगे अच्छे से पढ़कर। ये पहला टेस्ट दिए आपने 10-12 अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं, उतना सही करना है, इंग्लिश चला गया, मैथ रीजनिंग जीके ऐसे आपको टेस्ट देना है। टेस्ट दे दिए, नंबर देख लिए कितना आ गया, नंबर देखने के बाद उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपके सामने खुल जाएगा, मिला लो, और टेस्ट देने के बाद 1 घंटा समय निकालिएगा, ये रामबाण है टेस्ट देने का। इस पूरे पेपर को ना एनालाइज करिएगा, ये आपको करना है, एनालाइज तो आपको करना ही करना है पेपर, कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलती हुआ, मैथ में हम टारगेट लेकर क्या चल रहे थे, मेरा नंबर 4-5 नंबर हम कम क्यों कर रहे हैं, जिस जो मेरा सही होने के चांसेस थे वो क्वेश्चन भी गलती हो गया, क्यों गलती हुआ, क्योंकि हम वहां पर थोड़ा हड़बड़ी किए, अच्छा अगले टेस्ट में वो चीज नहीं करें। कहने का मतलब है जब पेपर एनालाइज करेंगे ना तो वहां पर अपने गलती को निकालिएगा कि जो हम सही कर सकते थे वो गलती कैसे हो गया, या फिर जो क्वेश्चन हमें आता था वो छूट कैसे गया, यानी कहीं ना कहीं अपना पहला पेपर देने के बाद अपने अंदर जो जो कमी है उस कमी को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 4-5 कमी को, कि मेरे अंदर ये कमी है, अगले टेस्ट में जब हम देंगे तो ये सब चीज अपने दिमाग में रखेंगे। नंबर देख लिए, क्या गलती हुआ था उस एग्जाम के दौरान, हम क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या हो गया, क्या क्या गलती किए, वो अगला एग्जाम में हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। जब अगला एग्जाम दोगे मान लो दोबारा फिर वही चीज गलती हो गया, गुस्सा आएगा, गुस्सा आना चाहिए अपने ऊपर, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आया, तीसरा दिए, चौथा दिए, लेकिन गलती लिखना है, हर एग्जाम में गलती लिखना है, गलती क्या हो रहा है एनालाइज करना है, 1 घंटा पेपर देने के बाद ये चीज करना है, एनालाइज करना मतलब करना है। देखोगे जब गुस्सा आना स्टार्ट होगा ना
तो जो गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं उस गलती को अगले एग्जाम में इग्नोर करने का कोशिश करेंगे, छूटेगा छूटेगा वो गलती, ऐसा ऐसा सुधारेंगे सुधारेंगे, उस पेपर पर ध्यान देंगे। 20 टेस्ट के बाद आप देखोगे कि भैया मेरा नंबर अच्छा उठ रहा है। और एक बात, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन में ना बहुत जन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है 50 सही होते हैं 50 गलती हो जाता है। लेकिन अगर एक बार वो ध्यान से सोचे कि अगर मैं 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ना करकर अगर शांति दिमाग से 70-72 क्वेश्चन ही करता तो मेरे इतने पूरे के पूरे सही होते। लेकिन मैंने किया क्या, 50 सही 50 गलती, यानी 50 का निगेटिव मार्किंग भी मेरा कट गया। तो इसके ऊपर भी स्पीड टेस्ट में आप लोग एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, खास करकर कि हम गलती ज्यादा कर रहे हैं, अगर उतना गलती करने में जितना टाइम लगा रहे हैं अगर वो टाइम ना लगाए और उस गलती को नंबर 100 अटेम्प्ट नहीं करना है, कम ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर जो गलती करने में टाइम दे रहे हैं अगर उसको उसकी वजह से 4-5 क्वेश्चन ही ज्यादा करें तो मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट सही क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन के वो बढ़ सकता है। तो ये आपको कम से कम 20 टेस्ट में करना है डेली, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। प्लस मैंने आपको करंट अफेयर में तो आप जीतू भैया का नाम लेकर जाना, किसका नाम, मेरा नाम लेकर जाना एग्जाम में, एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े टीचर मार्केट में हैं, प्लस कोर्स बेच रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे टीचर, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके जाना और एग्जाम के दिन मैं आपको आऊंगा रिव्यू देने, दिखाऊंगा कितना क्वेश्चन मेरा फंसा है, आप सभी को दिखाऊंगा ये चीज। और आपको मैंने ये भी कर बताया ना कि रात को आठ बजे आपको जितना भी टॉपिक है वो सब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं सोमवार से, यानी कल से रात को 8 बजे मैं आपको वो टॉपिक करा रहा हूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने का। तो 8 बजे वाला क्लास कम से कम आप देख कर जाना, बजट हो, फिल्म फेयर हो, इंडेक्स हो, या फिर GI टैग हो, एक्सरसाइज हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रात को 8 बजे एग्जाम से पहले मैं कवर करवा दे रहा हूं, जो भी 20-22 टॉपिक हो पाएगा। कर जाना मतलब आप कर जाना रात को 8 बजे, ठीक है। प्लस PDF दिए ना आप सभी को, पिछले 6 महीने करंट अफेयर का PDF दे दिए, बेस्ट है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का PDF दिए, 450-350 क्वेश्चन है, उसका PDF पढ़ लेना एक बार आप सभी। और आप सभी को मैंने GK प्लस GK का 1500 क्वेश्चन, GS का 1500 क्वेश्चन का PDF दिया है, ये भी आप सभी पढ़ लेना। ये सारा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम के लिंक के ऊपर, आप सभी ना जाकर डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बजट के ऊपर मैंने PDF दिया है, पढ़ लो। एक क्वेश्चन तो कोई नहीं बोल सकता कि एग्जाम में नहीं आएगा, बजट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और रात को 11:30 बजे ना क्लास देखो, पिछले 2 महीने करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उस क्लास में क्या होता है आप सभी को पता है, कैसे पढ़ाता हूं मैं रात को 11:30 बजे वाले रिवीजन क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, ये सभी आपको पता है, ठीक है। तो बस आपको लास्ट 20 दिन में ना कुछ नहीं करना है, बस अगर आप इतना काम भी कर लोगे ना भाई, काम बन जाएगा। लेकिन ये सब कौन करेगा जो कुछ दिन से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अब अचानक पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इतना कम से कम आप करो ताकि आप अटेम्प्ट अच्छे कर पाओ। इंग्लिश में बिल्कुल मत डरिए, आप इतने दिन से तुक्का मारते हुए आ रहे हैं, अंतिम 20 दिन में तुक्का मारेंगे तो वही तुक्का मारेंगे एग्जाम में भी। तो अंतिम 20 दिन में अपने आदत को सुधारिए, जो बताए हैं वो चीज करो। अब देखो आपको एग्जाम देना कैसे, टेस्ट देना कैसे, एक बार वीडियो आपको दिखाते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है और टेस्ट कैसे देना है, एक एक चीज, ठीक है। उसके पहले बोलूंगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना टेलीग्राम पर, आप सभी जुड़ जाना क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां पर दे दिया जाता है, ठीक है ना। और एक बात, जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही स्पीड टेस्ट लो तभी आप देना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं करूंगा मैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पूरे ईमानदारी के साथ कि आप मेरा दो या किसी और का दो, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ डेली। ये रामबाण है एग्जाम से 20 दिन पहले, जो आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत हद तक बढ़ाएगा, बहुत हद तक आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में, आपको करना क्या है, कितना अपने आप को जज कर पाओगे खुद से कि एग्जाम से पहले मैं कितना पानी में हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो वीडियो करना क्या है आपको,
कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। अपने फोन में गूगल का प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर सर्च मारना है सक्सेस की 98। जैसे ही सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन आएगा, इसको आप सभी ओपन कर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड देकर आप रजिस्टर हो जाना। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर देखो आ चुके हैं आप सभी। अब आपको मान लो एसएससी का, सीएचएसएल का या सीजीएल का एग्ज़ाम देना है या एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम का, तो आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रेलवे दिया गया है, एसएससी दिया गया है। आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो एसएससी वाले को ओपन करिएगा, और यहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम का टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले बोल दूँ, एक बार बैक जाऊँगा कि अगर आप ये 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले एक साल तक जितना भी एग्ज़ाम आएगा, बैंक का हो, रेलवे का हो, इंश्योरेंस का हो, एसएससी का हो, हर एक एग्ज़ाम का टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप एसएससी में आएंगे, आपको मान लो एग्ज़ाम देना है सीएचएसएल का, तो इसको आप ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है टायर वन 159 और यहाँ पर 159। मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो आपको बार बार हर एक टेस्ट अलग से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सभी टेस्ट, जितना भी टेस्ट आपका है, हर एक टेस्ट से लॉक खुल जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर आप ये वाला ओपन करते हैं, पहला वाला, इस पर ओपन करने के बाद देखेंगे सारे पर लॉक लगा हुआ है, देख रहे हैं, सब पर लॉक लगा हुआ है, बस एक जो है वो टेस्ट फ्री दिया गया है। पहले आप फ्री वाला टेस्ट देकर एक बार अपने आप को जज कर लेना कि आपका एग्जाम में कितना स्कोर कर रहा है और कंटेंट कैसा है, ठीक है। आपको मैं टेस्ट देकर दिखा दे रहा हूं, बाई आप सभी को पता है बाई कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो पहला टेस्ट हम देते हैं, यहां पर टेक टेस्ट स्टार्ट हुआ, देखो क्वेश्चन आप सभी के पास आ गया, ये आपका 100 क्वेश्चन, टाइमर यहाँ पर ये, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा ना, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, कि यहाँ पर आप सभी देख लेना, ऊपर में जो है वो आप सभी का टाइमर चल रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे हिंदी में चाहिए, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर ऊपर में देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में एक साइन दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो टेस्ट है वो हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आप बेफिक्र होकर टेस्ट दे सकते हैं फटाफट, ठीक है। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका रैंक, आपका सॉल्यूशन, सारे सवाल का सॉल्यूशन दिखा देगा। आप पेपर को अच्छे से एनालाइज करना और बाय करना भी जो है वो बहुत आसान है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, किसी पर भी, मान लो आपको 349 वाला पैकेज बाय करना है तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करना, ठीक है। क्लिक कर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप आ जाएंगे पेमेंट पेज पर, अपना आईडी पासवर्ड सब देकर आप लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद आप अपने वैलेट से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए।